गुड मॉर्निंग। हम लोग इस लेक्चर में, लेक्चर 2 है चैप्टर 4 का। पहले वाले में हम लोगों ने रेशियो निकालना सीखा था, शुरू किया था कैसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि जो केस 1 पढ़े थे हम लोग इसके पहले, अब केस 2 देखना कैसा है। केस 2 में कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर प्रॉफिट्स। इस तरह से क्वेश्चन भी डिजाइन हो सकता है। तो वही ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 3:2 का। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, 1/4 के लिए वो एडमिट होता है। ए सरेंडर 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, कहता है 1/8 अपने हिस्से से सरेंडर करता है। इसकी हिंदी क्या होगी, ए सरेंडर 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, यानी ए अपने हिस्से का 1/8 सरेंडर करता है, एंड बी सरेंडर 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, और बी अपने हिस्से का 1/8 सरेंडर करता है। यानी जितना शेयर था उस शेयर में से 1/8 ए देता है और 1/8 बी दे देता है। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर है ये मेरे पास। इन तीनों पार्टनर का जो रेशियो है 3:2, तो 3/5 और 2/5 लिख दिया। नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 यहाँ पे छाप दिया। अब क्या होगा, ए सरेंडर 1/8, ए अपने हिस्से का 1/8 सरेंडर करता है, मतलब देता है, त्याग करता है। तो 1/8 माइनस कर दिया, और बी भी 1/8 सरेंडर करता है, तो 1/8 माइनस कर दिया। तो अब बात यह है, एक शॉर्टकट ये है कि अगर जितना ये लोग सरेंडर करते हैं, जितना ये लोग सरेंडर करते हैं, उतना दोनों का सरेंडर जितना करते हैं जोड़ने पर 1/8 1/8, दोनों ए सरेंडर करता है या बी सरेंडर करता है, अगर जोड़ने पर नए शेयर के बराबर, नए पार्टनर्स के शेयर के बराबर आ जाए, मतलब 1/4 के, तो हम लोग हमेशा डायरेक्ट माइनस कर देंगे। अगर जितना दोनों पुराने पार्टनर सरेंडर करते हैं उस शेयर का जोड़ने पर, अगर नए पार्टनर्स के शेयर के बराबर आ जाए, तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, माइनस। तो जोड़ेंगे, देखेंगे आ रहा है कि नहीं। 8 LCM हो गया, 1+1 हो गया, 2/8 हो गया, ये वैल्यू आ गई 1/4 की। तो ये 1/4 ये भी है, 1/4 ये बराबर आ गया, यानी हमको क्या करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। कभी भी करेंगे क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे, अगर दोनों बराबर आता है नए पार्टनर के हिस्से के, तो हम लोग सीधे माइनस कर देंगे उसको। अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 40, तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, ये सॉल्व करें इतना आ गया। फिर ऐसे ही 40 LCM होगा, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, 16 - 5 11 हो गया, 14, 24 - 5 19 हो गया, ये 40 हो गया। अब बात ये है कि यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, लेकिन यहाँ पे 40 नहीं था, इसलिए क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई, और जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 10 1 जा 10 और 41 जा 14, 14 जा 40। अब क्या करना होगा हम लोग को, रेशियो कैसे बनेगा, 19 11 और 10, 19 11 और 10। और हम जानते हैं कि रेशियो हम तभी लिख सकते हैं जब सबके बेस क्या हो, बराबर हो, सबका बेस क्या हो, इक्वल हो, हम तभी रेशियो को लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ, और क्वेश्चन देख लेंगे, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। डी एडमिट फॉर 1/6 शेयर, ए सरेंडर 1/18 फ्रॉम हिज शेयर, एंड बी सरेंडर 1/18 फ्रॉम हिज शेयर, सी सरेंडर 1/18 फ्रॉम हिज शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड सक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को बताना है। अब हम बात करेंगे केस 3 का, कैसा केस 3 होगा। तो केस 3 में कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है इनका रेशियो। दे एडमिट सी, ए सरेंडर 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ पे चेंज हो रहा है क्वेश्चन का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है, एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। एक बार समझेंगे, क्वेश्चन कहता है ए सरेंडर, ए त्याग करता है 1/6, 1/6 भाग
फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/6 शेयर देता है और बी सरेंडर करता है 1/ अपने हिस्से से 1/4 शेयर। तो यहाँ पे ये नहीं बताया सी कितने के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया इसमें कि सी कितने के लिए आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा 3/5 और 2/5 ये पुराना रेशियो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कुछ नहीं 1/6 देता है तो 1/6 और 1/4 देता है तो 1/4 दे देंगे। हम लोग क्या आ रहा है ए सरेंडर 1/6 फ्रॉम इस अपने शेयर से अपने हिस्से से 1/6 दे देता है, तो अपने हिस्से से 1/6 माइनस कर दीजिए। बी कहता है हम अपने हिस्से का 1/4 देंगे तो 1/4 दे दिया। जितना ये लोग देंगे उतना ही सी को मिलेगा, ए और बी जितना देंगे उतना सी को मिलेगा, तो 1/6 ए देता है 1/4 बी देता है, तो इनको मिलेगा तो इनको ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये 18-5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास। ये ऐसा क्यों करा गया है, क्यों, क्योंकि सबके ये आ जाएगा 13/13 3/20 10/24, तो यहाँ 24 यहाँ 20 यहाँ 30 तीनों का बेस इक्वल नहीं है। अगर तीनों का बेस इक्वल नहीं है तो हम रेशियो नहीं लिख सकते हैं, ये बार बार बताया जा रहा है। अब अगर नहीं लिख सकते तो क्या करें कि तीनों के बेस में एक जैसा नंबर आ जाए, तो तीनों का एलसीएम 30 20 और 24 का जब हम एलसीएम निकाले तो 120 आ गया। कितना आया 120 आ गया, तो हम यानी सबके बेस में 120 हो जाए तो हो सकता है। तो 30 में 4 का मल्टीप्लाई किया 120 तो ऊपर भी उतने का, जिसमें 6 का किया तो ऊपर भी 6 का किया, यहाँ 5 का किया 120 बनाने के लिए तो यहाँ भी 5 का कर दिया, तो ये आ गया हमारा रेशियो 52:18:50। रेशियो कितना आ गया 52:18:50 का रेशियो आ गया। ये हमारे दो तरह के क्वेश्चंस हैं, इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को करना है। अब देखेंगे ये एक टाइप 4 तरह का है, केस कैसे 4 बन सकता है। तो कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी एडमिटेड, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 3/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। यहाँ समझेंगे वहाँ पे लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कितना सरेंडर करते हैं, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ लिखा क्या चीज फ्रॉम हिज शेयर मतलब अपने हिस्से से, और यहाँ पे लिखा है क्या 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब होता है क्या का, अपने हिस्से का 1/4। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था फ्रॉम हिज शेयर मतलब अपने शेयर से माइनस करेंगे, तो सीधे माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या बोला है ऑफ हिज शेयर अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 1/4 मतलब उसका का। हम हिंदी की बात करें इंग्लिश में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंग्लिश में ऑफ का मतलब क्या होता है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिंदी में का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में 1/4 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब क्या 3/5, यानी पुराना शेयर कितना 3/5 और 2/5। क्वेश्चन क्या कहा ए सरेंडर, ए सरेंडर कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब क्या 3/5, हिज शेयर का मतलब क्या 3/5। ध्यान रहे जब कभी भी ऑफ लिखा होगा तो उसके शेयर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस है, फ्रॉम मतलब से और ऑफ मतलब क्या का, ऑफ का मतलब क्या का, तो का मतलब क्या मल्टीप्लाई, अपने हिस्से का 1/4 देगा, ये क्या करेगा 2/5, 3/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर का मतलब 2/5 है इसका, इसको सॉल्व करेंगे। अब 3/5 तो ऐसे ऐसे छाप देंगे, 2/5 ऐसे छाप देंगे, 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो हमारे पास, रेशियो न्यू रेशियो। अब क्या होगा सी का रेशियो नहीं दिया कितने के लिए आ रहा है, सी नहीं दिया है कितने के लिए आ रहा है, तो हमको क्या करना होगा जितना ये लोग त्याग करेंगे, ये इतना त्याग कर रहा है बी इतना त्याग कर रहा है, जितना ये लोग सक्रीफाइस करेंगे उतना सी को मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका शेयर निकल के आ जाएगा 9/20। तो रेशियो क्या बन जाएगा न्यू रेशियो 9:2:9 का, 9:2:9 का ये रेशियो बन जाएगा। ये हमारा रहा चैप्टर, यह चैप्टर 4 का लेक्चर 2 में।